हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो रहा है यहाँ पे। और मैं आज मैं लेट हो गई मैं उठने में। मतलब मेरा क्या हुआ आज, स्टोरी टाइम थोड़ा सा, कि मैं 6 बजे अचानक से मुझे ऐसा सपना आया कि नीट का पेपर है आज, तो मैं एकदम डर के उठी। मतलब ऐसे होता है ना, मतलब एकदम अचानक से ऐसे मैं लेटी हुई थी और सीधा ऐसे उठ के बैठ गई। तो मैंने देखा और नहीं है, फिर ऐसे मैंने कहा अभी 6 बज रहे, मैं 6:30 तक ऐसे उठती हूँ नॉर्मल डेज में। तो मैंने कहा कि अभी आधे घंटे सो जाते हैं और फिर उठ जाएंगे अपन। तो और मैं सो गई और उसके बाद मेरा नींद सीधा 8 बजे खुला है। और मैं अभी अभी का टाइम हो रहा है 8:35 और मैं एकदम नहा वहा के आ गई हूँ, कि मैंने कहा कि अब जो है सीधा पढ़ने बैठना है। सो आजकल तो सपनों में भी नींद आ रहा है, लाइक मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इतना डर, इतना टेंशन हो रहा है मुझे लगता है कि, और इतना मतलब क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी। ऐसा ऐसा थॉट, इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा तो यस, अगर अभी आप नए हो ना तो देन सब्सक्राइब कर लो पहले और मुझे जान लो। मैं निशु हूँ और मैं चैनल पे स्टडी ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाती हूँ। सो नीट तक यहाँ बहुत सारा स्टडी ब्लॉग्स ही मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद आई डोंट नो कि मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन कुछ और भी थोड़े और मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँगी ऑब्वियसली। सो यस, इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है हमारा। सो आज का क्या काम है अपना, मतलब मैंने क्या सोचा कि अच्छा एक और मैंने ना पिछले वीडियो बनाया था फिजिकल केमिस्ट्री वाला, तो उसमें मैंने एनएमएसटी बुक यूज़ करी थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैंने साल भर उस बुक को यूज़ किया है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एनएमएसटी किया है क्या है, नहीं मैंने बस एनएल के मॉड्यूल किया है और पीवाई यूज़ किए थे एक्चुअली, समझे। पर मेरा फिजिकल ख़राब है, तो मुझे किसी ने कहा कि ज़्यादा सवाल बनाओगे तो मतलब समझ में आएगा, इसीलिए मैंने एनएमएसटी बुक लिया। और मैंने उसके जो थर्ड एक्सरसाइज आई थिंक है, जिसमें कि पूरे बहुत सारे पीवाई से, मतलब सिर्फ नीट वाले नहीं, कुछ और भी एक्स्ट्रा भी है, तो मैंने वो वाले पार्ट ही बस किया है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये तो एनएमएसटी भी कर रही है, मैंने किया, क्योंकि थोड़ा सा टफ रहता है वो बुक। सो ये वाला डाउट मैंने क्लियर कर दिया। एंड सेकेंड थिंग, आज क्या करेंगे अपन, आज अपन क्लास 12th का ऑर्गेनिक पार्ट कंप्लीट करेंगे, और जिसमें कि 4 चैप्टर है, पी ब्लॉक्स, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड मेटोलॉजी। सो ये 4 चैप्टर मैं कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी से कर लूं, देखते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अभी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अन अकेडमी लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज नीट 2021 एस्पिरेंट के लिए। अगला टेस्ट 7 सितंबर 2 से 5 PM को है, तो जरूर देना। मैं इसके कुछ फीचर बताना चाहूँगी, जैसे कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये रैंक प्रेडिक्टर है। दूसरी बात, एग्जाम के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सारा ही क्वेश्चन का। इसके बाद डिटेल टेस्ट रिपोर्ट, और जो मॉक टेस्ट है वो एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेस पे है। ये मॉक टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फ्री में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड NISHU10 यूज कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप नीट 2022 या फिर नीट 2023 के एस्पिरेंट हो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 24 मंथ्स, 12 मंथ्स या 6 मंथ के लिए, और आप मेरा कोड NISHU10 यूज़ कर सकते हो। और अब अनअकैडमी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहा है, तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और दो नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं 8 सितंबर से। पहला बैच ड्रॉपर और क्लास 12th वालों के लिए है, और दूसरा बैच नीट 2023 एस्पिरेंट के लिए है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। अभी एक पार्सल आया है अमेजन से, इसका क्या बोलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली मैंने
बोट का ये स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर मंगवाया था। देखते हैं कैसा है ये। ये वाला है। सो लेट्स सी। ये ऐसा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है बताना। और मैं इसे चेक करके देखूंगी। ये 10 आवर प्ले टाइम देता है और सही है। देखते हैं अभी। मैंने इससे पहले मीवी का भी लिया था बट वो फिर मैंने मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया वो। तो अभी ये इसका देखते हैं कि ये कैसा है। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बोरोन और कार्बन वाला जो फैमिली है वो कंप्लीट किया है। बाकी का अभी और भी है वो करते हैं। अभी नाइट्रोजन फैमिली से फिर स्टार्ट करते हैं। सो यस, यही बताता हूँ। मुझे बहुत तेज़ की भूख लग गई है और मैं कुछ ब्रेकफास्ट करूँगी पहले, फिर ही नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करूँगी। फाइनली पी ब्लॉग हमने ख़त्म कर लिया है और मतलब ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर है पी ब्लॉग और थोड़ा टाइम लगता है नोट्स से भी रिवाइज़ करने में, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो आसानी लगता है लेकिन जब वो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं ना, तो यस थोड़ा टाइम लग गया। इसके बाद मैं DNF ब्लॉग करूँगी, फिर उसके बाद फिर और बच्चे का ये मेटोलॉजी और हमारे पास कोऑर्डिनेशन का पॉइंट बन जाएगा। तो यस करते हैं फिर। सो गाइज, फाइनली अभी DNF ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया है और अभी दिन के बज रहे हैं 1:35 और अभी तक मैंने बस ब्रेकफास्ट करके मैं रुकी हूँ। मैंने कहा कि मैं कंप्लीट करूँगी पहले फिर ही करूँगी। तो अभी और 2 चैप्टर जो बचा है, मेटोलॉजी और कोऑर्डिनेशन, वो भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं ताकि मैं लंच कर पाऊँ अपना जल्दी से। सो यस स्टार्ट करते हैं। फाइनली कंप्लीट किया मैंने अभी कोऑर्डिनेशन और टाइम हो रहा है 2:55। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मुझे भूख भी लग गई है। बट लास्ट चैप्टर बचा है मेटोलॉजी, वो कंप्लीट करते हैं एंड फिर देखते हैं। गाइस 4
सॉरी 350 हो रहा है और कंप्लीट कर लिया मैंने मेटलर्जी भी, फाइनली जाके कंप्लीट हुआ ये चारों चैप्टर जो मैंने सुबह से लेके रखा था, चार चैप्टर कंप्लीट करने को। मैंने ऑलमोस्ट लगभग 9 बजे के आसपास स्टार्ट किया होगा, लाइक 8:40 और 8:50 में, और बीच में बस मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए उठी हूँ और थोड़ी देर इधर उधर गई हूँ, 5-10 मिनट बीच बीच में। बाकी इतना वक्त लग गया है ये चार चैप्टर रिवाइज करने में। सो यस, फाइनली आई डिड इट। एंड आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, सही रहता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को साथ में पढ़ने से काफ़ी रिलेट कर पाते हैं चैप्टर के एक एक चैप्टर को। सो बहुत सही था। तो यस, ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।